हमारे फिल्म के फाइनेंसर मनोहर जी ने हमें पैसे देने से मना कर दिया। अगर मनोहर गुप्ता नहीं ना तो कोई दूसरा फाइनेंसर खड़ा हो जाएगा पैसे लेकर। अब तक हमें लग रहा था कि पैसा संजना की कमजोरी है क्योंकि उस पैसे से वो फिल्म बनाने जा रही है, लेकिन नहीं, पैसे से आगे कुछ कोई तो है जो संजना की सही कमजोरी। अविका सेटल नहीं हो जाती तब तक तो माँ बाप को चिंता रहती है ना। वैसे आपकी नजर में कोई लड़का है? मेरी नजर में ऐसा कोई लड़का नहीं। वैसे भी शादी ब्याह का मामला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, इसलिए तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम करो। ओके ठीक है। वैसे तुमने कुछ सोचा? अगर मैंने कुछ सोचा होता तो आपको नहीं बताती। एक बात कहूं? हाँ कहो। हम अभी से अविका की शादी के बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? देखो अभी तो आई है वो, कुछ दिन हो रहने दो उसे मेरे साथ प्लीज। मुझे भी वैसे कोई जल्दी नहीं है अविका की शादी की, लेकिन जानते हैं आप, बेटी अगर बड़ी हो जाए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने पर मजबूर हो जाए, उससे पहले माँ बाप खुद उसके बारे में सोच ले तो अच्छा है ना। सुष्मिता देखो, प्रेम को तो मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा, लेकिन मैं अविका को बड़े होता देख नहीं सका। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी वो आई है, मैं तो चाहता कि कुछ दिन रहे, ऐसे ना लगे कि बस उसकी विदाई की चलती थी हमें। आई एम सॉरी, पर तुम्हें जो ठीक लगता तुम करो। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगे कि हमारी बेटी घर से चली जाए? क्या गलती हो गई हमसे कि हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, लेकिन आज ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई अनबन है। पीछे मुड़कर देखता हूँ जिंदगी को तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में रीटेक्स क्यों नहीं, हमारी जिंदगी में वन मोर क्यों नहीं, हमारी जिंदगी में कट्स क्यों नहीं। बड़ा मायूस सा हो जाता हूँ। पता, तुमसे जुदा होने के बाद मैंने 10-15 फिल्में बनाई, लेकिन मैं अपने घर को नहीं बना पाया, नहीं बना पाए। जब तुम अपनी बेटी की शादी की बात करती हो तो कितने खुश नजर आती हो कि तुम्हारी बेटी की शादी होने जा रही है, और मैं, पता है मुझे क्या लगता है, जब उसकी शादी की बात हो रही है ना तो ऐसा लग रहा है मेरे दिल में कांटा चुभ रहा है कि जिस लड़की की शादी की बात मैं करने जा रहा हूं उसको मैं प्यार से लोरी भी नहीं सुना पाया, प्यार से उसे थपथपा भी नहीं पाया, उसके साथ खेल भी नहीं पाया। जब उस बच्ची को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी, तब उसके साथ में नहीं था, नहीं था। I'm sorry. आपको जब हमारी अविका बच्ची थी ना, तब वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि मामा मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा क्यों नहीं है। उसका ये रोना मेरे ऊपर उधार था, पूरे उधार में तभी चुप न करूंगा जब उसकी विदाई होगी।
बस जो होगा देखा जाएगा। थोड़े दिनों रुक दो उसे प्लीज मेरे लिए। देखो सुष्मिता, अविका के बारे में तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है तुम ले लो, क्योंकि तुम उसके ज्यादा क्लोज हो। तुम जो बोलोगी मैं मान जाऊंगा। अगर हमारी बच्चे के बारे में अगर मैं कुछ सोचूंगी ना, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी। पापा, पापा, पापा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं ही जाऊंगी पापा। नहीं बेटा, देखो ऐसा नहीं कहते, पता हमारे समाज के रीत है रिवाज है। अरे बेटी गरीब की हो अमीर की हो वो किसी और की अमानत होती है, तो जब ये अमानत बड़ी हो जाए उसे ससुराल जाना पड़ता। इसलिए तो कहते कि बेटी हमेशा पराया धन होती। यूनिट फ्लोर पर पहुंच गई है ना? वेरी गुड, जो चाहिए सब मंगा लेना। मैं नहीं चाहती कि इस फिल्म में किसी भी चीज की कमी हो। ये मेरी बेटी की फिल्म है, सबसे बड़ी सबसे महंगी, इस फिल्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, कॉल करके मुझे थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट करते रहना, समझ गए ना? ठीक है मॉम। अंकिता, आज से हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मॉम। ऑल द बेस्ट टू यू टू। बहुत अच्छे से काम करना बेटा। जी मॉम। जानती हो अंकिता, ये फिल्म मेरे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बिग बजट फिल्म है। ये फिल्म मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी बेटी की फिल्म है। तुम्हें सुपरस्टार बनना है बेटा, याद रखना। जी मॉम, I'll do my best. I know. ना उस विधि को, ना उस गद्दार संजना को, मुझे बदला चाहिए मॉम। कुछ ज्यादा ही मांग लेती बेटा, ये तो होना ही है। संजना की फिल्म भूल जाओ उस संजना की फिल्म को। मेरे एक इशारे पर उसके सारे फाइनेंसर एक एक करके उसकी फिल्म से अपने हाथ उठा रहे हैं मॉम। हाँ, संजना की फिल्म आधी तो हो जाएगी पूरी,
लेकिन आधी फिल्म शुरू ही नहीं होगी। पैसे कहाँ है उसके पास फिल्म पूरी करेंगे? ऐसे तो कोई भी फाइनेंसर दे देगा मॉम। फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी पहचान थी, सब लगा दी मैंने। मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री का एक भी फाइनेंसर संजना को पैसा दे। सच? हाँ। अंकिता, ना ही संजना की फिल्म कंप्लीट होगी, ना ही विधि के सपने और ना ही संजना की जिद। तुम देख लेना, रोशन जी खुद बखुद इस फिल्म को डिब्बे में डाल देंगे। ये फिल्म तो कंप्लीट होने से रहे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब के सब एक साथ रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए मॉम, उस मनहूस विधि की फिल्म नहीं बननी चाहिए। नहीं बनेगी बेटी, आई प्रॉमिस यू। ऐसा फाइनेंसर नहीं है जो हमें पैसे देने को तैयार। ये सब मल्लिका महेश्वरी की चाल। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। डोंट वरी, मैं अपने डैड से बात करता हूँ, ही कैन हेल्प अस। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वी नीड फाइनेंसर्स, हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। आई नो संजना, लेकिन अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी? वही तो सोचना है। हाय संजना। हाय। हाय सुधा। हाय। और क्या चल रहा है? नथिंग, बस ऐसे ही। तुम बताओ क्या चल रहा है? मैं कुछ गलत वक्त पर आ गया क्या? नहीं नहीं प्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन तुम दोनों के चेहरे पे 12 के बजे हुए। नहीं तो कहाँ टेंशन है, नथिंग ललाटिया। अच्छी बात है। हाँ एक्चुअली यार, मैं ना कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों से बात करने आया था। बिजनेस? दैट्स इंटरेस्टिंग है। एंड स्ट्रेंज टू, तुम एक फिल्म स्टार हो और बिजनेस करोगे? सिद्धार्थ, फिलहाल तो मैं फिल्में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ इन्वेस्टमेंट या बिजनेस ही कर लूं। एक्चुअली मैं बचपन से इसी इंडस्ट्री में रहा हूं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे फिल्म्स में फाइनेंस करना चाहिए। एक्चुअली कुछ पैसे पड़े मेरे पास, इससे पहले वो पड़े पड़े सड़ जाए मुझे लगा कि इन्वेस्ट कर देने चाहिए। और तुम भी फिल्म बना रही हो ना, तो मुझे लगा कि एक बार तुमसे ही पूछ लेता, अगर पैसों की जरूरत हो तो बता ना। प्रेम, एक्चुअली हम सब पैसे की ही टेंशन में थे। वो एक फाइनेंसर ने पैसे देने से मना कर दिया और उसके लिए फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है। हो सकता है कि मल्लिका जी हमारे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को या रिलीज को रोकने की कोशिश करें। एक फाइनेंसर ने पैसे देने से मना कर दिया और उसके लिए फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है। आर यू सीरियस? हाँ प्रेम, वी नीड मनी। मैंने इंडस्ट्री के सारे फाइनेंसर से बात कर ली, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट मैंने ज्यादा इंटरेस्ट तक की बात कर ली। कमाल है, तुम दोनों ने तो मुझे मेरे बिजनेस के पहले दिन ही काम दे दिया। प्रेम, एक्चुअली हमें कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए। सिद्धार्थ,
रोशन नंदा का बेटा हूं। बचपन से पैसे ज्यादा ही देखे। प्रेम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। प्रेम, we really need a lot of money. बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। 9 करोड़। मैं जानता हूं संजना, तुम्हें 9 करोड़ की जरूरत, राइट? तुम्हें कैसे पता? संजना, तुम कल आके मुझसे 9 करोड़ ले लो, ओके? थैंक यू सो मच प्रेम। तुम नहीं जानते तुमने मेरे सर से कितना बड़ा टेंशन हटा दिया है। बट वॉट वुड बी द इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट? संजना, इस फिल्म में विधि भी एक्टिंग कर रही है और मेरे डैड इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा मैं यहां बिजनेस करने आया था? नहीं, ये फिल्म किसी भी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए। ये फिल्म मेरी विधि का सपना है और उसका सपना मैं पूरा करूंगा। देखते देखते वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना विधि। कल तक हम दोनों लोगों के प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटा करते थे, लेकिन कोई भी एक फिल्म भी देने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था कि मानो कि मन्नत मांगनी बाकी रह गई हो। और आज तुम्हारे पास एक बेहतरीन फिल्म भी है और खत्म भी होने वाली है। बस विधि, अपना पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी रह जाएगा और तुम्हें डबिंग करनी है, और उसके बाद ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, यू नो, बड़े पर्दे पर। फिर तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक पाए। और देखना, मैं ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। प्रेम, ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा है ना? सपना ही तो है विधि, ये वो सपना है जो था तुम्हारा लेकिन देखा मैंने था। ऐसी एक बात कहूं प्रेम, एक्टिंग तो पापा ने बहुत अच्छे से सिखाई है लेकिन मुझे डबिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। अरे तुम बिल्कुल ठीक से करोगी। और वैसे भी मैं हूं ना यदि, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था, मैं भी काम करते करते सीखा हूं। मेरे डायर डायरेक्टर, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। प्रेम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही। जानते हो, भोपाल में थी ना तब ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आऊंगी, फिल्म स्टार बनूंगी। आज माँ और पापा होते तो बहुत खुश होते ना। थी, है ना, वेद अंकल और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ, हर वक्त तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी कामयाबी चाहते हैं। देखो, बहुत खुश होंगे। पापा और माँ इस बात से ज्यादा खुश होंगे कि आज हम दोनों साथ में हैं। पापा रोशन अंकल को बहुत मानते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे वो उनके, इसलिए तो वो इतना खुश हुए थे जब उन्हें हमारे बारे में पता चला था। उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। जो पहले नहीं हुआ विधि, वो अब होगा। जो रिश्ते उन्होंने सोचे थे वो हम निभाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी फिल्म खत्म हो जाए। हाँ। विधि, शूटिंग के दौरान तो मल्लिका जी ने कुछ नहीं किया लेकिन मुझे डर है कि वो अब कुछ कर सकती है, तो
क्योंकि अब उनकी फिल्म की शूटिंग भी खत्म होने को आई है। हो सकता है कि मल्लिका जी हमारे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को या रिलीज को रोकने की कोशिश करें। अब तो बस अविका की शादी हो जाए तो। सिर्फ अविका की नहीं, तुम्हारी शादी भी होनी है। सकता है कि मल्लिका जी हमारे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को या रिलीज को रोकने की कोशिश करें। जानती हूं मैं प्रेम, लेकिन एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उनका हर बार फोगट जाएगा। अब हर बार बुराई की जीत तो नहीं हो सकती ना। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, उन्हें जो करना था वो कर चुकी है, अब भुगतने की बारी उनकी है। वो कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। और बात सिर्फ मेरे साथ हुए अन्याय की नहीं है प्रेम, संजना के लिए भी ये फिल्म उसके पिता का बदला है। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो संजना के पिता जो आज गुमनामी के अंधेरे में खो गए, कपाइस बन के जी रहे, उसकी वजह है मल्लिका महेश्वरी। यह अब एक नहीं दो बेटियों का धर्म युद्ध है, संजना का भी और मेरा भी। हाँ पंडित जी, बस हमारी बेटी अविका के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए। हाँ घर अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला, संस्कारी, और बस यही सब चाहिए, और क्या जी। हाँ हाँ जरूर बताइएगा जी। नमस्ते, रखती हूँ। माँ क्या ये सब क्या है मतलब? I mean, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो क्या रहा है इस घर में? अविका के लिए लड़का देख रही हूँ। हंसने की क्या बात है इसमें? जब आप इस घर में नहीं थी ना, तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ पैसे और फिल्मों की बातें होती थी, और जब से आप इस घर में आई है इस घर का माहौल बदल गया। अब तो बस अविका की शादी हो जाए तो। सिर्फ अविका की नहीं, तुम्हारी शादी भी होनी है। Are you crazy? मैं तुम्हें फाइनेंसर लगता हूँ कि तुम्हें मैंने पैसे दिए और तुम्हें इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करने? प्रेम विधि अगर एक बार भी मुस्कुराए ना तो उसके सामने ये पैसे कुछ भी। और तुमने तो उसे जिंदगी भर की खुशी थी।